तो दोस्तों फाइनली यहां पर जिस रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट का इंतजार था आपको, वो फाइनली यहां पर निकल कर आ चुकी है। काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे थे और इस शेयर्स को लेकर कल के दिन भी आपको एक बहुत ही बड़ी अपडेट्स यहां पर देखने को मिली थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आपको रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट के साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ शेयर मार्केट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करें IRCTC की, तो IRCTC के अंदर भी आज 2 से 3 बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आई है, जिसके बाद IRCTC की शेयर प्राइस के अंदर सोमवार के दिन डेफिनेटली आपको यहां पर एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि IRCTC के लिए कल का दिन और परसों का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर शानदार ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। IRCTC के ऊपर बात करें उसके पहले जो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट निकल कर आई है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जिस शेयर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं उसकी रिकॉर्ड डेट यहां पर निकल कर आ चुकी है और कंपनी ने यहां पर जो आपको 1:5 के रेशियो का स्प्लिट अनाउंस किया था उसकी रिकॉर्ड डेट यहां पर 8 अक्टूबर 2021 रखी गई है। यानी कि रिकॉर्ड डेट रखी गई है 8 अक्टूबर 2021, यानी कि एक्स डेट है इसकी 7 अक्टूबर 2021। तो यदि आप 7 अक्टूबर 2021 तक इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप 1:5 के रेशो के स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको बिना किसी देरी के बता ही देता हूं कि किस कंपनी ने यहां पर स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करी है। तो दोस्तों मैं यहां पर बात कर रहा हूं FL इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हां दोस्तों, कल लेट नाइट ही हमें यह ऑफिशियल अपडेट्स आते हुए देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 24 सितंबर 2021 कल ही के दिन की लेट नाइट ये ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है, जिसमें FL इंडिया लिमिटेड ने जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:5 के रेशो का स्प्लिट अनाउंस किया है उसकी रिकॉर्ड डेट यहां पर फाइनली निकल कर आ चुकी है। तो यदि आपने भी FL इंडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप रिकॉर्ड डेट तक अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं, तभी जाकर आप यहां पर स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथ ही साथ FL इंडिया लिमिटेड की तरफ से कल के दिन भी हमें एक बड़ी अपडेट्स देखने को मिली थी, जिसमें FL इंडिया लिमिटेड के शेयर्स को ASM लिस्ट की लॉन्ग टर्म स्टेज 3 से कन्वर्ट करके यानी कि शिफ्ट करके स्टेज 2 के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो बहुत ही शानदार न्यूज FL इंडिया लिमिटेड के अंदर हमें पिछले 2 दिन से आते हुए देखने को मिल रही है और इस न्यूज का इंपैक्ट आपको मंडे के दिन FL इंडिया लिमिटेड की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ एक दिन पहले ही हमें FL इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक और बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिली थी, जिसमें US पेटेंट कंपनी के हाथ यहां पर लग चुका है, जिसके कारण कंपनी का बिजनेस अब बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होते हुए भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल नंबर्स की भी बात करें तो FL इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर्स भी बहुत ही शानदार हैं और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि Q2 के रिजल्ट जो कंपनी अनाउंस करने वाली है, जिसमें कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 100 गुना ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, यानी कि 100% की ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि FL इंडिया लिमिटेड के जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट रहेंगे वो तो आपको हमारे चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपने FL इंडिया लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट करने का आप मन बना रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं IRCTC के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि IRCTC ने भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:5 के रेशो का स्प्लिट अनाउंस किया है, यानी कि IRCTC भी हर एक शेयर्स के बदले 5 शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देने जा रही है और IRCTC की स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट का भी काफ़ी समय से शेयर होल्डर्स इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फाइनली ये वेट भी अब हमें ओवर होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि IRCTC की जो 22nd एनुअल जनरल मीटिंग है वो आपको 29 सितंबर को देखने को मिलने वाली है 12:30 बजे। तो यहाँ पर IRCTC मोस्टली यहाँ पर आपको 29 सितंबर के दिन जो स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट है वो अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यदि आपने IRCTC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन भी बना रखी है, तब भी आप यहाँ पर नेक्स्ट वीक तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं।
साथ ही साथ आज के दिन हमें IRCTC की तरफ से तीन और बड़ी अपडेट्स यहां पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज IRCTC 1 अक्टूबर से नए टाइम टेबल के साथ बढ़ा सकता है किराया। तो यहां पर फाइनली IRCTC अपने फेयर यहां पर इंक्रीज करने जा रहे हैं, जिसके कारण इसका अल्टीमेटली बेनिफिट पैसेंजर्स को तो नहीं लेकिन शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर कंपनी को मिलने वाला है। और अगर यहां पर कंपनी अपना किराया बढ़ाती है, फेयर बढ़ाती है, तो डेफिनेटली कंपनी के जो बैलेंस शीट से, कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर से, उस पर भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक और अपडेट आप देख सकते हैं 11 घंटे पहले की अपडेट से, जिसमें IRCTC फर्स्ट पैकेज टूर टू नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स इन सितंबर। 5 घंटे पहले की एक और अपडेट, IRCTC स्टार्ट्स स्पेशल पितृ पक्ष ट्रेन 9 पैकेज, टिकट प्राइजेस एंड अदर डिटेल्स। तो यहां पर IRCTC अपने टूर एंड ट्रेवल्स के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए यहाँ पर नए नए पैकेज हर दिन हमें लॉन्च करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी नो डाउट अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए यहाँ पर आपको इसके अंदर हर दिन बड़ी खबर आते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 घंटे पहले की ये न्यूज़ है, जिसमें IRCTC चलाने जा रही है 4 और रामायण ट्रेन, अयोध्या से रामेश्वर तक होंगे दर्शन। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर के ये भी डाउट आ रहे थे कि IRCTC के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्प्लिट के बाद इन्वेस्टमेंट करें या फिर स्प्लिट के पहले इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा आपको कहना है कि यदि आपका जो पोर्टफोलियो है वो अगर स्मॉल पोर्टफोलियो है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर स्मॉल है, आप ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली IRCTC को आप स्प्लिट के बाद में पिक करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो की साइज स्ट्रांग है, लॉन्ग है, यानी कि अगर आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो डेफिनेटली आप करंट शेयर प्राइस से भी IRCTC के अंदर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। या फिर अगर आपने पोजीशंस बनाए रखी है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। IRCTC के अगर वॉल्यूम बेस्ड काम की भी बात करी जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें IRCTC के अंदर 15,39,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली है, जिसके सामने लगभग 4,15,000 क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है, और डिलरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज लगभग 27% के करीबन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर IRCTC के अंदर नेक्स्ट वीक आपको वॉल्यूम बेस्ड काम भी इसके अंदर शानदार तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाइनली इसकी 29 सितंबर को हमें AGM देखने को मिलने वाली है, और इस AGM के अंदर कंपनी जो अपनी स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है, वो अनाउंस कर सकती है। साथ ही साथ कंपनी के जो फाइनल डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था उसकी भी यहाँ पर जो एक्स डेट थी वो ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन AGM के ठीक बाद आपके बैंक अकाउंट में IRCTC का भी डिविडेंड क्रेडिट होना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।